हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टी के जीवाटिया हेयर एंड ब्यूटी टिप्स। अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला करना चाहते हो, सफ़ेद बालों को जड़ों से ख़त्म करना चाहते हो और अपने बालों को बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हो, लंबे करना चाहते हो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, तो मेरे चैनल पर इससे जुड़ी हुई बहुत सारी रेमेडी है। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएंगी सभी तरह की। आपके किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो हेयर से जुड़ी हुई, उसके आपका सोल्यूशन मेरे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको अपने वाइट हेयर दिखाऊंगी। बहुत से लोग आज भी कमेंट करते हैं कि आपके वाइट हेयर नहीं है, आप वाइट हेयर पर लगा कर दिखाइए। तो अगर आप पिछले 5-6 सालों से एक ही चीज़ पर अगर मेहनत कर रहे होगे तो आपको क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप खुद ही सोचो। तो यहाँ ध्यान से देखना, मेरे वाइट हेयर आपको ज़रूर नज़र आएंगे। मेरे भी वाइट हेयर हैं, जब मैं अपने मिरर में देखती हूँ तो मुझे 2-4 वाइट हेयर दिखते हैं जड़ों के पास, रूट के पास, मतलब कि अगर मेरे वाइट हेयर हैं तो मैं उन्हीं को कवर करने के लिए रेमेडी शेयर करती हूँ। नहीं तो कोई ख़ास ऐसा तो मोटिव है नहीं कि इतना सारा टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है। मैं नेचुरल तरीके से बालों को ब्लैक करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि जो कुछ मैं शेयर करूँ या जो कुछ मैं यूज़ करूँ वो आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आप सब भी उसका फ़ायदा उठा सको। तो ध्यान से देखना, अभी दिखा होगा आपको कितना बड़ा सारा बाल है मेरा और वो बिल्कुल वाइट है। तो चलिए रेमेडी बता देते हैं, बहुत आसान तरीके से बनेगी और आपको इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि घंटों पहले बना कर रखना होगा फिर घंटों अपने सर पर लपेट कर बैठना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोहे का बर्तन ज़रूर ले लेना और नेचुरल तरीके से होममेड डाई बनाना आपको सिखाते हैं बहुत ही कम चीज़ों में। ये सारी चीज़ें आई होप आप सबके पास ज़रूर होंगी। तो चलिए लोहे का बर्तन ले लिया है, इसमें एक कॉफ़ी डाली है। कॉफ़ी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों को डार्कर कलर प्रोवाइड करती है। यहाँ पर मैंने आंवला लिया है। एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने इस बोतल में आंवला एंड एलोवेरा दोनों को मिक्स करके रखा है, क्योंकि हम इसे जैसे कि जूस की तरह लेते हैं, ठीक है। ये जूस है, दोनों को एक ही बोतल में मिक्स करके रख रखा है। और इस वाले में आपको देख के ही पता चला होगा कि इसमें कुछ मिला हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो मैं बोतल यूज़ करती थी उसमें सिर्फ आंवला होता था, इसमें एलोवेरा भी है। कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम यूज़ करते हैं वही आप सबको दिखाते हैं। जो हमने यूज़ किया हमें पता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो मैं इस बात को छुपा भी सकती थी। लेकिन अगर आपको मेरे जैसा रिजल्ट चाहिए तो मुझे आपको सारी बातें खोलकर बतानी होंगी, इसलिए मैं सब कुछ जो मैं यूज़ करती हूँ वही दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखो अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के करीब हिना। जो भी आप हिना यूज़ करते हो वही हिना ले लेना, कोई अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं 2-3 तरह का यूज़ करती हूँ, आज जो मैंने यूज़ किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। नूपुर मेहंदी, इससे पहले बहुत से वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, नेहा मेहंदी लेती हूँ मैं, ये 100% प्योर है, तो आप इसको लो। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। अगर किसी भी चीज़ को आपको बाय करने में दिक्कत हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक होता है, आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। और वो अमेज़ॉन का लिंक होता है, आप सबको पता ही है कि अमेज़ॉन से आप सारी चीज़ें घर बैठे आसानी से ऑर्डर करके बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर ही मंगा सकती हूँ। अब देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा जो ये पेस्ट है थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना, पानी ऐड करना ही है, क्योंकि हम इसको जो डाई बना रहे हैं वो इंस्टेंट बना रहे हैं, मतलब कि हम इसे 1 घंटा 2 घंटा 5-6 घंटा 8-10 घंटा भिगो कर नहीं रखना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी क्यों जाएगा, चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब चलते हैं गैस की तरफ। एक्स्ट्रा पानी क्यों डाला था, क्योंकि हम इसको गैस पर रखकर इंस्टेंट बनाएंगे, तो हम गैस पर रखकर इसको अच्छे तरीके से उबालेंगे। उबालने से क्या होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी गुडनेस जो है इस वाटर में रिलीज़ कर देंगी और तुरंत 5 मिनट के अंदर आपकी जो रेमेडी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, हमें इतना सब कुछ आपको बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, रिज़ल्ट शो करना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, नहीं तो ये रेमेडी 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। गैस पर रखकर गैस की फ्लेम लो करना, लो टू मीडियम रखना, हाई मत करना। धीरे धीरे घुमाते घुमाते आप इसको अच्छी तरीके से पका लेना, उबाल लेना, जैसे आपको समझ आता है वैसा कर लेना, ठीक है। बिल्कुल थिक सा पेस्ट बना लेना। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसे पतला सा भी रख सकते हो, लेकिन जैसा मैंने यूज़ किया मैं वो आपको दिखाती हूँ। हीना में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके बालों को कंडीशनर की तरह भी काम करता है, क्योंकि उसमें इतनी साइन है, इतनी गुडनेस है कि वो आपके बालों पर अगर जाएगी तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपके बालों पर मिलेगी। इसीलिए 15 दिन में 20 दिन में एक बार ज़रूर किसी न किसी फॉर्म में हीना को यूज़ किया कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इस वाटर को जो है, या फिर ये जो हम अपना डाई बना रहे हैं, अच्छे तरीके से मैंने इसको उबाल लिया है। और उबालते उबालते आप देख सकते हो ये कितनी गाढ़ी बन गई है।
बिल्कुल मार्केट जैसी डाई बन गई है, लेकिन मार्केट वाली जो होती है वो केमिकल वाली होती है, ये केमिकल फ्री है। अब यहाँ पर देखो मेरे बालों की ग्रोथ आपको दिख रही होगी, ये तो मेरे माथे के पास के हैं, बैक साइड में जो हमारे कमर के पास जो नीचे की तरफ बाल होते हैं ना, वो भी कुछ इसी तरह से मेरे लटकने लगे हैं, क्योंकि बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अब इसका कलर देखो कितना डार्क कलर आ चुका है, यही डार्क कलर अगर आप अपने वाइट हेयर पर लगाओगे तो आपके वाइट हेयर भी नेचुरल तरीके से ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे लगाना, मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो कुछ स्पून में लगा है उसको भी मैं अपने हेयर पर अप्लाई कर लूँ, मतलब इतना सभी में वेस्ट ना जाने दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं स्पून में जो लगी थी उसी को अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ज़रा सा भी वेस्ट ना जाए। आप चाहो तो यहाँ पर अपने फिंगर में ग्लव्स ज़रूर पहन लेना, क्योंकि हमने इसमें आंवला और हिना वगैरह डाला है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कलर आपके फिंगर या नेल पर आ सकता है, तो ग्लव्स ज़रूर पहन लेना अगर फिंगर से लगाओगे तो। अभी मैं स्पून से लगा रही हूँ, इसके बाद फिर मैं ब्रश से लगाऊंगी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लगा सकते हो, या फिर चाहो तो अपने फिंगर से ही लगा लेना, ठीक है। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको अपने हेयर पर लगाया, और लगाने के बाद आपको सिर्फ 30 मिनट वेट करना है। जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हो उससे पहले इस होम मेड डाई को अपने हेयर पर अप्लाई करो, 30 मिनट रहने दो, इससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है, शैम्पू मत लगाना। अब देखो मेरे साथ क्या है, कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि मेहंदी की स्मेल या कॉफ़ी की स्मेल मुझे बहुत चढ़ती है, मतलब ज़्यादा देर अगर मैं इसे अपने सर पर रखूँ और उसके बाद शैम्पू, कभी कभी होता है ऐसा, शैम्पू ना लगाऊँ तो मुझे उसकी स्मेल की वजह से चक्कर आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब भी इस तरह की कोई डाई यूज़ करती हूँ तो कभी कभार 100 दिन में 1 दिन मैं शैम्पू लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर हिना सर पर रह जाती है तो मुझे चक्कर आते हैं इस वजह से। अगर आपको नेचुरल तरीके से बालों को बिल्कुल ब्लैक करना है तो शैम्पू नेक्स्ट डे करना, या फिर ऐसा करना मॉर्निंग में आप फटाफट से लगाओ और शाम होते होते मतलब दिन में 6 से 8 घंटे के बाद आप शैम्पू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसा करना तो मुझसे भी अच्छे हेयर जो है वो आपके हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो सभी जगह लगाया है, मैंने लेंथ में नहीं लगाया क्योंकि मुझे आज रूट को टचअप देना था, इसलिए मैंने रूट में ही लगाया है। अब रिज़ल्ट आप देख लो, क्लियर आपको दिख रहा होगा रिज़ल्ट। आप भी अगर इसी तरह से महीने में 2 बार इस होम मेड डाई को यूज़ करोगे, या 3 बार भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिनकी ज़्यादा सफ़ेद बाल हो रखे हैं ना वो तो हर हफ्ते यूज़ करो, तो नेचुरल तरीके से उनके सारे के सारे सफ़ेद बाल जो है वो गायब हो जाएंगे, और बिल्कुल डार्क कलर के जैसे हेयर चाहिए आपको ब्लैक वैसे ही मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो पहले फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप हमारा वीडियो देख सको। इससे जुड़ा हुआ, इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, आपको बहुत जल्दी मतलब 2 से 4 घंटे के अंदर ही मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि महीनों महीनों मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।